दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वर्ड टेक में। यहाँ पे अगर आपको पता चल पाए कि आपका मोबाइल कितना यूज हो रहा है, आप कितने यूज कर रहे हैं उसको, कहीं आप ओवर लिमिट यूज तो नहीं कर रहे हैं क्या? आप लोग कोई ऐप को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जिसको यूज करके आपको कुछ नुकसान हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड है अपने मोबाइल से और उसका यूज करके आपका मेंटल हेल्थ भी बिगड़ सकती है। तो इस चीज के लिए आप लोग अपने मोबाइल को कंट्रोल भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपके मोबाइल में एक ऐप आता है जो है डिजिटल वेलबींग। अब ये जो ऐप है वो सभी के मोबाइल में ये फंक्शनलिटी दी गई है, जिसके थ्रू आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा ऐप कितने बार यूज किया, आपका जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है वो कितना रहा, आपने पूरे दिन में अपने मोबाइल की स्क्रीन कितने देर तक चालू की, मतलब आपने अपना मोबाइल कितना यूज किया, ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये डिजिटल वेलबींग ऐप मतलब अपने मोबाइल का हालचाल कैसा है ये देखने के लिए ही है। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि आप अपने मोबाइल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल करने के लिए हमको पहले अपने मोबाइल में ढूंढना पड़ेगा डिजिटल वेलबींग ऐप, या फिर आप लोग जाके सेटिंग में ढूंढ सकते हैं जहां पे आपको कहीं ना कहीं डिजिटल वेलबींग ऐप मिल जाएगा। तो वहां पे हम लोग जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आपने आज के टाइम में अपने मोबाइल का कितना स्क्रीन टाइम यूज किया है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वही अगर हम लोग डैशबोर्ड में जाते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि कौन से दिन कितना यूज किया है, कितने टाइम तक यूज किया है और कौन से ऐप यूज किए हैं, ये पूरा आपको इसमें दिख जाएगा दोस्तों। वही आपका मोबाइल कितने बार आपने अनलॉक किया है और कितने नोटिफिकेशंस आए, ये भी आपको इसमें दिख जाता है। वही यहाँ पे कौन से दिन कितना स्क्रीन टाइम रहा ये पूरे हफ्ते भर का यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वैसे नोटिफिकेशन कितने रिसीव हुए वो चेक कर सकते हैं। वही कितने बार आपने अनलॉक किया ये पूरे डेली रूटीन का यहाँ पे आपको दिख जाता है। वैसे यहाँ पे आपको एक सुविधा मिल जाती है कि आप लोग कोई भी ऐप को टाइमर लगा सकते हैं, मतलब आपको अगर कोई फेसबुक ऐप हो गया या फिर व्हाट्सएप ऐप हो गया, ये अगर आपको 30 मिनट ही यूज करना है, पूरे दिन में 30 मिनट यूज करना है या 50 मिनट या 1 घंटा यूज करना है, जो भी आपको लगता है कि हमको इतना ही ऐप यूज करना चाहिए, इसके ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे सेट टाइमर में जाके यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं कि आपको कितने घंटे यूज करना है। तो जैसे हम लोग इसको टाइमर सेट कर देंगे, तो जैसे मैंने फेसबुक 29 मिनट तक यूज किया है और मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ 30 मिनट का टाइमर, तो ठीक है हम लोग जाएंगे फेसबुक 1 मिनट तक और यूज करेंगे, वहां पे हमको दिख जाएगा कि ये जैसे 1 मिनट कंप्लीट हो गया, मतलब पूरे दिन भर के 30 मिनट जैसे कंप्लीट हो जाते हैं, तो दोस्तों ये फेसबुक ऐप डिसेबल हो जाएगा, मतलब इसके बाद आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते। इसका जो टाइमर है वो रात को 12 बजे ही रिसेट हो जाएगा, तो उसके बाद में आप लोग फिर से 30 मिनट तक यूज कर पाएंगे। तो ऐसे आप लोग डेली रूटीन में कौन सा ऐप कितने बार यूज करना है, कितने टाइम तक यूज करना है, ये यहाँ से सेट कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन, इसमें आपको बेड टाइम मोड मिल जाता है, जिसमें आप लोग अगर सेट करते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक हमको कोई नोटिफिकेशन नहीं आने चाहिए, ना ही कुछ मोबाइल बजना भी चाहिए, ना किसी को कॉल आना चाहिए, ना कुछ भी, तो इस टाइम के लिए आप अपने मोबाइल को पॉज करके रखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आप लोग इनेबल कर लीजिए। इसमें आप लोग बेड टाइम सेट करके इस टाइम से उस टाइम तक, मतलब आप अगर सोना चाहते हैं 8 घंटे, तो 8 घंटे तक आपका मोबाइल आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे ये एक स्पेशल फंक्शनैलिटी दी गई है बेड टाइम मोड, जिसमें आपको दो ऑप्शन नीचे में मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रे स्केल का ऑप्शन है। तो जब ये बेड टाइम मोड ऑन हो जाएगा, जैसे 11 बजे ऑन हो जाता है, तो आपका जो डिस्प्ले है पूरा का पूरा ग्रे स्केल हो जाएगा, मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में आपको दिखने लगेगा, जिससे बैटरी भी बचेगी, जो आपकी रात में ज्यादा बैटरी कंज्यूम होती है इस फंक्शन से वो कम कंज्यूम होने वाली है। वही यहाँ पे नीचे में दूसरा ऑप्शन भी होता है डू नॉट डिस्टर्ब का, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब अगर ऑन करते हैं किसी का कॉल भी यहाँ पे नहीं आएगा, या फिर आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मतलब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। वही इसी में आपको एक फोकस मोड मिल जाता है, जिसके थ्रू आप लोग किसी ऐप को शेड्यूल कर सकते हैं कि उस ऐप को किस टाइम में कितने शेड्यूल पे बंद करके रखना है, या फिर ज्यादा परेशान कर रहा है ऐप तो आप लोग इसमें जाके वो डिसेबल करके रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, वो आप लोग डेली शेड्यूल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो डेली शेड्यूल करने के लिए आप लोगों को टाइमर में जाना है, शेड्यूलिंग में जाना है, जो भी ऐप है उसको पहले सिलेक्ट करना है, शेड्यूलिंग में जाना है, वहां पे आप लोग स्टार्ट टाइम और एंड टाइम कर सकते हैं। वही आप लोग कौन से दिन में उस शेड्यूल को चलाना चाहते हैं वो भी यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो उस टाइम से उस टाइम तक, मतलब स्टार्ट टाइम से एंड टाइम तक, और उस दिन को आपको वो ऐप परेशान नहीं करने वाला है और ना ही आप इसको यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप लोग अपने बच्चों के मोबाइल को भी कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब आपको लगता है कि अपने बच्चे इतना ही टाइम आपका मोबाइल यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग अपने बच्चे के मोबाइल को अपने मोबाइल से लिंक करके उनका शेड्यूल यहाँ से
कनेक्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे अपने किड्स का जो भी वेलबींग है वो यहाँ पे देख भी सकेंगे और कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो ये एक बेटर फंक्शनैलिटी है अगर आप लोग घर के मेंबर्स हो और आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं और नहीं चाहते कि ज़्यादा वो यूज़ करें अपने मोबाइल को और लिमिट में यूज़ करें, तो इसमें ये बेटर ऑप्शन है। आप लोग यहाँ से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा पेरेंटल कंट्रोल का कैसे करना है, क्या करना है, तो उस वीडियो में मैं ये पूरा कवर करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, तब तक देखते रहिए और व्हाट द टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज में आपके लिए लेके आ सकूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें।